अरहान के पॉडकास्ट डम्ब बिरयानी में उनकी माँ और बॉलीवुड के फिटनेस डिवा मलाइका ने रिसेंटली एक और शॉकिंग रिवीलेशन किया अपने कार एक्सीडेंट के बारे में। 2022 में मलाइका एक कार एक्सीडेंट का सामना कर रही थी और उसमें वो काफ़ी जख्मी भी हुई थी। जब ये राज उनके बेटे तक पहुँचा कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई हैं, अरहान पूरी तरह से हॉल कर रहे थे और वो तुरंत इंडिया आना चाहते थे वापस, क्योंकि उस वक्त वो फॉरेन में स्टडी कर रहे थे, यूएस में अपनी स्टडी कर रहे थे। वो काफ़ी बेचैन थे माँ को देखने के लिए, वो काफ़ी डर गए थे, वो पूरी तरह से मानो अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे। मलाइका ने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और इसलिए क्योंकि वो उस वक्त अपनी माँ के साथ इंडिया में उनके लिए नहीं थे, अपने स्टडीज़ के लिए यूएस में वो व्यस्त थे। मलाइका ने ये दिन याद किया, उनके एक्सीडेंट का दिन जब उनके बेटे को काफ़ी तकलीफ हुई, वो काफ़ी मजबूर लाचार खुद को महसूस कर रहे थे। माइनर इंजरीज कुछ भी मेजर नहीं हुआ था, खुशी की बात ये थी, लेकिन फिर भी एक बेटे का माँ के प्रति जो प्रेम है वो तो फिक्र के तौर पर सामने आ ही जाएगा। फ़ोन में पूरी तरह से सिसक रहे थे, डर रहे थे, सहम रहे थे, अरहान कुछ कह नहीं पा रहे थे। सारी बातें मलाइका ने बताया। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।